देखो दोस्तों, बात समय समय की है। अगर मैं इसके आज से 5 डे पहले की बात करता हूँ ना, तो स्टॉक का हाई था 168 रुपीज़ के आसपास का। लेकिन जब दोस्तों बात समय की आती है ना डाउन की सर्किट की, दोस्तों स्टॉक डाउन जाता है, ये बात तो कन्फर्म है आपको। लेकिन एक बात समझ में आ चुकी होगी आपको, शॉर्ट टाइम में इसने आपको 178 का टारगेट इजिली दे दिया है। यहाँ पर जो भी आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि स्टॉक डाउन जा रहा है, आज क्यों गया डाउन, क्यों, देखो बात कन्फर्म है कि आज मार्केट का लास्ट डे है इस वीक का, और हो सकता है कि आपको अगले आने वाले टाइम में यह स्टॉक काफ़ी तगड़ा रिटर्न देने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर न्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही है, और आपको पता है बजट में भी दोस्तों मैंने कहा था आपको हल्का फुल्का गिरावट देखने में बिल्कुल हुआ है, लेकिन बजट के बाद दोस्तों रिकवरी, आपकी जो भी गिरावट हुई थी वो रिकवरी, सारी रिकवरी हो गई है। यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा, लॉन्ग टाइम पर्पज से इन्वेस्ट करो, इसमें तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा आपको। शॉर्ट टाइम में कुछ इतना खास नहीं है, मैं आपको यही कहूँगा लॉन्ग टाइम पर्पज से आप इसमें इन्वेस्ट कर दो जितना करना है वो, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, काफ़ी मल्टीपल स्टॉक रिटर्न देने वाला है। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है इसके ऊपर कि Q1 का रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो स्टॉक आपको काफ़ी तगड़ा रिटर्न देने वाला है। अगर कोई मन में सवाल क्वेश्चन आ रहा है आपके, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।